एक फेसबुक पर पोस्ट मैंने डाली थी और ट्विटर पे भी, अगर हमारे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर होते या मेरे पिता फिल्मों में हीरो होते तो मैं सुपरस्टार का भी स्टार होता। यहाँ कला की बात नहीं, मौके की बात है। बहुत सारे दोस्तों की इस पे क्रिया और प्रतिक्रिया आई हैं, कुछ एक फोन पे भी आई हैं जो कुछ खास थे, और दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो मेरे प्रोफेसर मित्र हैं उन्होंने फोन करके मुझसे कहा कि आपकी इस टिप्पणी में बहुत कुछ है मगर सब आपने बताया नहीं, एक अच्छा सा वीडियो बना के बताएंगे तो युवाओं का और जो हमारे बच्चे हैं उनका लाभ होगा। दरअसल जो ये सेंटेंस है इसमें बहुत ज़्यादा बात छुपी हुई है, एक सेंटेंस में बात समझ में आती नहीं है। ये बात सही है क्योंकि मैंने सिर्फ सारा मिला के एक सेंटेंस ही डाला था। दरअसल पैसा देके तमाशा देखने का भारतीय जो धंधा है वो मैं काफ़ी पहले बंद कर चुका हूँ, यानी मैं अपनी जेब से पैसा भी दे के आऊँ और वहाँ जो लोग हैं उनका नाचना गाना खेलना कूदना उछलना, उनका झूठ उनका सच उनका विश्वास उनका अंधविश्वास उनका धंधा उनका धर्म का धंधा धर्म का अंधापन जो भी कुछ है मैं वहां से अपने दिमाग में कचरे में लेके आऊं, सिवाय इसके कि मुझे वहां 2-2.5 घंटे एसी की हवा मिलती है और कुछ नहीं मिलता। इतने सस्ते में मुझे एसी की हवा किसी 5-स्टार होटल में मिल सकती है फ्री में, क्योंकि फिल्में जब मुझे समझ में आई कि भारतीय फिल्में बेसिकली कर क्या रही हैं तो मैंने फिल्में देखना सिनेमा हॉल में बंद कर दिया। कोई 100 में से 3-4 फिल्में ऐसी होती हैं जो देखने लायक होती हैं, तो वो जब देर सवेर कभी मुझे वीडियो में या कहीं मिल जाती हैं तो मैं उनको फ्री में देख लेता हूं, पैसा मैं तब भी खर्च नहीं करता। कोई व्यक्ति अगर मेरा फ्री में टिकट लेके मुझे फिल्म दिखाने के लिए ले जाना भी चाहे तब भी मैं अपना समय उसमें जाया नहीं करता, खराब नहीं करता, क्योंकि भारतीय फिल्में सिवाय दिमाग खराब के और पैसे खराब के कुछ नहीं देती। कुछ एक फिल्में चुनी हुई आती हैं जिनका पता चल जाता है, जो देर सवेर देखी जा सकती है, जिनकी चर्चा मिल जाती है। भारतीय फिल्मों में होता क्या है, दरअसल फिल्में किसी देश में किसी देश के विकास के लिए बनती हैं, यानी जो उस देश के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं वो फिल्में इस हिसाब से बनाते हैं कि उनका देश पूरी दुनिया में ज़्यादा तरक्की करे और देश आगे बढ़े। मगर भारतीय जो सिनेमा है जो भारतीय फिल्में हैं उसमें अधिकतर जो प्रोड्यूसर हैं जो डायरेक्टर हैं वो फिल्में इस हिसाब से बनाते हैं कि हमारी फिल्मों में देखने वाले लोग ज़्यादा आए, देश का विकास हो या ना हो उससे उन्हें कोई लेना देना नहीं है। इसलिए जो घटनाएं खराब घटनाएं जो मन को दूषित करने वाली घटनाएं भारत के अंदर चलती रहती हैं वो उन्हीं के टॉपिक और उन्हीं के सब्जेक्ट लेके उसको और बढ़ाते हैं। इसको आप ऐसे समझिए कि जैसे शराब एक बहुत बड़ी बुराई है, शराब एक जहर है, इसको सरकार भी पिलाती है, इसको जगह जगह लोग इसको बनाते हैं, इसका व्यापार करते हैं, हमारे ही परिवारों में लोग इसको पी पी के मरते हैं, कोई पढ़ाई छोड़ देता है, किसी का घर बिक जाता है, किसी का शरीर अस्पताल में ही खत्म हो जाता है, और फिर भी इसको लगातार बनाया जाता है, बेचा जाता है और सिनेमा हॉल के अंदर इसको बहुत अच्छी तरह से ग्लैमराइज करके चमक दमक के साथ में स्टाइल के साथ में ग्लास के साथ में गानों के साथ में कव्वाली के साथ में रस के साथ में शायरी के साथ में शायराना अंदाज में और बहुत महिमा मंडित करके इसको पेश किया जाता है। एक बार भी ऐसी फिल्म नहीं बनती जो ये कहे कि शराब मेरी फिल्म में नहीं आएगी, मैं शराब के विरुद्ध हूं, शराब जहर है, जो लोग शराब का कारोबार करते हैं या शराब का प्रचार करते हैं या शराब का पैसा खाते हैं या शराब का बिजनेस करते हैं वो देशद्रोही है, क्योंकि देश के बच्चे को शराब पिलाते हैं और शराब को जहर बोलते हैं, तो देश के बच्चों को जहर पिलाते हैं। ये भारतीय सिनेमा का आईना है। दुनिया की हम बात नहीं करते क्योंकि दुनिया के लोग समझदार हैं, उन्हें किस देश में क्या बेचना है वो बेच रहे हैं और अपना पैसा कमा रहे हैं। भारत के लोग कुछ ही लोग हैं जो पूरे भारत का नहीं सोचते, सिर्फ अपना सोचते हैं। दरअसल सिनेमा जो भारतीय है उसमें जो कला है जो टैलेंट है उसकी कहीं भी आवश्यकता नहीं है, उसकी कहीं भी जरूरत नहीं है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अगर आप भारतीय सिनेमा में कहीं कुछ काम करते हैं तो आपके पुत्र या पुत्री का वहां पर स्थान पक्का है, रिजर्वेशन पक्का है, आरक्षण पक्का है, आपका पुत्र या पुत्री या आपका रिश्तेदार ही आपकी जगह लेगा, आप उसको प्रमोट करेंगे। 3 फिल्में फ्लॉप जाएंगी किसी भी नए कलाकार की,
और चौथी फिल्म में आपको आदत पड़ जाएगी उसे देखने की, फिर वो अच्छा लगने लगेगा। ठीक ऐसे ही जैसे आप कोई किराए का मकान लें और उसमें जाएं तो आपको एक हफ्ते तक वो मकान बड़ा अजीब सा लगेगा, क्योंकि पहले मकान की आदत है, फिर उस मकान की धीरे धीरे आदत पड़नी शुरू हो जाएगी और वो अच्छा लगना शुरू हो जाएगा, बेशक वो कितना ही खराब सही। ठीक ऐसे ही यहां जो चलता है, वंशवाद चलता है, उसमें जो व्यक्ति है उसी के बच्चे, टैलेंट से कोई लेना देना नहीं है, ये ध्यान रखना, क्योंकि टैलेंट का कोई स्केल भी नहीं है और कोई पैमाना भी नहीं है और कोई एग्जाम भी नहीं है और कहीं कोई प्रतियोगिता भी नहीं है और कहीं कोई ओपन कैटेगरी भी खुली हुई नहीं है। ओपन कैटेगरी का मतलब है कि भारत के सभी बच्चे, सभी लोग जितने भी हैं, वो अपनी कला का प्रदर्शन करें और उस कला की कोई डिग्री, कोई नंबर ऐसा मिले, कोई मेरिट बने और उस मेरिट में जो लोग ऊपर आए उनको फिल्म में मौका मिले। ऐसा नहीं होता। आपका रिश्तेदार अगर फाइनेंसर है, प्रोड्यूसर है, आपका रिश्तेदार अगर हीरो है, कलाकार है, नामी है, ग्रामी है, या आपकी कोई जुगाड़बाजी है, तो आप फिल्म इंडस्ट्री में किसी भी तरीके से जा सकते हैं। अन्यथा लेबर का, स्पॉट बॉय का, वार्ड बॉय का, ये सब बॉय का जितने भी होते हैं या जो पीछे कोरस में नाचते हैं या गाते हैं, उनके लिए आपके पास जगह खुली हुई है, वहां लेबर के रूप में आप जा सकते हैं। कोई कोई बिरला ऐसा होता है जो बहुत स्ट्रगल करने के बाद में अपनी टैलेंट के माध्यम से या अपने जुगाड़बाजी के माध्यम से अपने पैर जमाने में कामयाब हो जाए, उसको भी उधेड़ते रहते हैं, उखाड़ते रहते हैं, पछाड़ते रहते हैं, चलता रहता है। तो वंशवाद है, वहां जातिवाद भी बहुत ज्यादा है। जातिवाद कैसे है, पिक्चरों के अंदर जितनी भी फिल्म आई हैं, जो आ रही हैं, जो आएंगी, देखेंगे आप उन्हें, तो उनमें जो शक्तिशाली करैक्टर हैं उनकी जातियां बताई जाती हैं, उनकी जातियों के नाम बताए जाते हैं, मगर जो पिटने वाले हैं, जो जनता का करैक्टर है, जो आम आदमी है, उनकी जातियां नहीं बताई जाती। अगर आप एक पक्ष की जाति बता रहे हैं और उसको महिमा मंडित कर रहे हैं और उसको बार 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 लोगों को याद दिला रहे हैं, ये जाति ऐसी होती है, इसका ये काम होता है, ये जाति ऐसी होती है, इसका ये काम होता है, तो आप बाकियों का भी बताना चाहिए। तो आप जातिवाद फैला रहे हैं, या तो आप जातियों का नाम ही ना लें, और अगर आप जाति, क्योंकि भारत में जाति चलती है, और नाम ले रहे हैं, तो आप उन जातियों को उठा रहे हैं जो जाति, जिनको महिमा मंडित कर रहे हैं और लोगों के दिमाग में डाल रहे हैं कि इन जातियों का तो काम ही ऐसा है, यानी कि लोग उसको पिक्चर देख के ही एक्सेप्ट कर लें, अपने मन में स्थापित कर लें, अपने मन में रख लें कि भाई अगर ये जाति का है तो उसका अधिकार ऐसा है, ये हमने पिक्चर में भी देखा है, पिक्चर में भी होता है। तो आप क्या कर रहे हैं, जातिवाद को मजबूत कर रहे हैं। तो भारतीय फिल्में जातिवाद को बहुत ज्यादा मजबूत करती हैं। इसके अलावा धर्म के मामले में आप किसी भी धर्म की जो मान्यता है उसका पूरा इस्तेमाल करते हैं लोगों के इमोशनल करने में, तो भारतीय फिल्में धर्म का बड़ा सहारा लेती हैं। कहीं भी वो, जब भी स्क्रिप्ट उनकी कमजोर होती है, कहानी कमजोर पड़ती है, उसमें धर्म आ जाता है, और धर्म के हिसाब से पिक्चरें रिलीज भी होती हैं, धर्म की डेट के हिसाब से पिक्चरें आती भी हैं, और धर्म का पूरा तड़का उसमें लगाया जाता है, लोगों को धर्म भीरुता यानी धर्म में डालने का पूरा काम उसमें किया जाता है, बिना इस शोध के, बिना इस बात के कि इससे देश की तरक्की होगी या नहीं होगी, एक उसमें ऐसा होता है। तो भारतीय फिल्मों में हिंसा खूब होती है, भारतीय फिल्मों में नाच गाना, जो राग वाली चीजें हैं वो बहुत होती हैं, सिगरेटें विगरेटें, शराब बीड़ी खूब स्टाइल से सर्व होती हैं, पाई जाती हैं, खूब सारे उसमें बलात्कार दिखाए जाते हैं, खूब उसमें शोषण दिखाया जाता है, खूब उसमें अत्याचार दिखाया जाता है, खूब उसमें अमीरी गरीबी दिखाई जाती है, खूब उसमें मारपीट दिखाई जाती है, यानी सारी वो बातें जो नेगेटिव हैं, जो समाज को खराब करती हैं और जिनको देख के बच्चा उन नेगेटिव चीजों को सीखता है, उनकी भरमार होती है और खूब सिखाई जाती हैं। तो दिखाया क्या नहीं जाता, दिखाया नहीं जाता देश की समस्याएं क्या हैं। कोई फिल्म ऐसी नहीं आती जो देश की समस्याओं पे बात करती हो। ये फिल्म नहीं दिखाई जाती कि देश हमारा गुलाम किसने बनाया। आजादी की पिक्चरें तो बहुत बनी हैं, मगर गुलामी के महानायकों की एक भी पिक्चर नहीं है। इवन उनकी कोई स्क्रिप्ट भी नहीं है, कोई किताब भी नहीं है, कोई शोध भी नहीं है कि ताकि हमारा देश दोबारा से गुलाम ना बने, उन गुलामी के महानायकों को तो ढूंढ लो जो जिन्होंने हमारे देश को, आजाद देश को गुलाम बनाया। ये पिक्चर नहीं आती कि अशोक के बृहद भारत के इतने छोटे छोटे टुकड़े करने वाले वो कलाकार कौन थे जिन्होंने देश को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया। वो ये फिल्में नहीं आती कि देश हमारा दुनिया में आगे क्यों नहीं है, चाइना से आगे क्यों नहीं निकला, या चाइना हमसे आगे कैसे निकल गया, या हम अमेरिका से आगे क्यों नहीं आए, या हम पहले अगर विश्व गुरु थे तो अभी हम विश्व चेले कैसे बन गए, यानी विश्व चेले बनने की कोई तस्वीर वो दिखाते नहीं है। वो नहीं दिखाते कि व्यक्ति अगर व्यसन करेगा, शराब पिएगा या बीड़ी सिगरेट पिएगा तो अस्पतालों के अंदर उसकी कैसी सड़सड़ के मौत होती है, इसके बारे में पिक्चरें नहीं आती। वो नहीं दिखाते कि भारत में शिक्षा का स्तर कितना खराब है और भारत अगर पढ़ेगा नहीं तो पढ़ेगा नहीं,
इस बात पे कोई पिक्चर नहीं आती कि भारत की लगातार शिक्षा पे स्थिति खराब होती जा रही है, विश्व में कमजोर होती जा रही है। ये जो यूनिवर्सल टॉपिक हैं, जो यूनिवर्सल सब्जेक्ट हैं, जैसे भुखमरी का है कि भारत में इतने संसाधन होते हुए, इतनी नदियां, इतना पानी, इतनी बारिश और इतनी जमीन होते हुए भी हमारे यहाँ लोग भूखे क्यों रहते हैं, क्यों एक आदमी को थाली भर भर के खाना मिलता है और वो थाली भर भर के खाना कूड़े में फेंकता है और एक आदमी को खाना नहीं मिलता, इस बात पे पिक्चर नहीं आती। इस बात पे पिक्चर नहीं बनती कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो खराब कैसे हो गई, कैसे ये भारत भिखमंगों की श्रेणी में आ गया, कैसे ये दुनिया भर का कर्जदार हो गया, कैसे इसके रुपए की हालत खराब हो गई, इस पे पिक्चर नहीं आती। दरअसल जो सब्जेक्ट है भारत को आगे बढ़ाने वाले, जो भारत को आगे ले जाने वाले, जो विश्व गुरु बनाने वाले, उन पे कोई भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर भारत में पिक्चर ही नहीं बनाता। तो भारत से प्यार नहीं है, बस कोई ऐसा देशभक्ति का बना के गीत गाते रहे, उससे क्या प्यार है, प्यार है। अरे आप 50 भजन करो, उस भजन का क्या फायदा अगर वो चीज बढ़े ना, वो चीज दुनिया में आए ना। इसलिए भारतीय सिनेमा की दुनिया में कदर भी नहीं है। वो जानते हैं कि इनकी जो कदर, इनका जो बनाने का तरीका है वो बहुत छोटे लोगों का लिमिटेड सोच है, इनकी सोच का दायरा कॉन्टिनेंटल और इंटरनेशनल है ही नहीं। जब मैंने बाहर की पिक्चर देखनी शुरू की तो मैं ताज्जुब में रह गया कि हमारी पिक्चरों का जो लेबल है और इनकी पिक्चरों का लेबल है, टेक्नोलॉजी को छोड़ दीजिए क्योंकि टेक्नोलॉजी में तो कोई भी एडवांस हो सकता है, कोई भी नहीं, मगर जो स्क्रिप्ट है, जो कहानी है, जो बेसिकली कंटेंट वो देना चाहता है, जो वो स्टोरी है जिससे वो एक ऑब्जेक्ट पूरा करता है, जिससे वो एक मैसेज देता है, हमारे यहाँ तो कहते हैं बड़ी बुद्धिमान लोग हैं, बड़ी बुद्धिता है, और उनके आगे तो यहाँ कुछ नहीं है। उनकी सोच कॉन्टिनेंटल है, वो जैसे पिक्चरें आती हैं उसमें ब्रेन कैसे साइंस की बड़ी बड़ी चीजें डेवलप होती हैं, कैसे बनती हैं, कैसे लोगों के लिए, खासतौर से युवाओं के लिए, खासतौर से उनके गेम के ऊपर, खासतौर से वो जो इजाद करते हैं, जो पैदा करते हैं, या जो उनमें छोटी छोटी बातें होती हैं, या जो उनके पढ़ाई के छोटे छोटे सिस्टम होते हैं, वो कितनी बारीकी से एक 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 बात को रखते हैं और अपनी बात को रखते हैं, पूरी दुनिया पर राज करते हैं, आज भी राज करते हैं, जबकि वो उनकी कोई कॉलोनी है नहीं, फिर भी वो लोगों के मन मस्तिष्क पर राज करते हैं। भारत के अंदर ये खूबी नहीं आती। भारत के अंदर क्या आता है, औरतों के झगड़े, औरतों के गाने, उनके तीज त्योहार, श्रृंगार और उनके व्रत, इससे भारत आगे नहीं बढ़ने वाला है, इससे भारत का कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि औरत को तो आप और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा कर्म कांडों में फंसाते जा रहे हैं, तो भारत की आधी शक्ति तो कर्म कांडों में ही रहेगी, तो वो पढ़ेगी नहीं, लिखेगी नहीं, वो तो तीज त्योहार व्रत ही रखेगी, फिर वो क्या साइंस पढ़ेगी और क्या मेहनत करेगी। तो आपने आधी औरतों का तो बिल्कुल ही मामला खराब कर दिया, यानी जो भारतीय पिक्चर है वो औरतों को तो पूरी तरह से नकारती है, वो उनको उसी पारंपरिक चीजों में धकेलती हैं जिससे भारत पीछे जा रहा है, आगे जा ही नहीं रहा है। कहते हैं दुनिया से कंधा मिला के काम करना है, अरे कैसे कंधे से कंधा मिलाओगे, जब एक कंधा तो 100 की स्पीड से दौड़ेगा और एक कंधा 10 की स्पीड से दौड़ेगा, तो कैसे कंधे मिलेंगे, वो कंधा तो पीछे रहेगा हमेशा। आप जो नौजवान है भारत के, उनको काम पे लगाने की कोई ऐसी फिल्म या कोई ऐसी तरकीब नहीं बताते जिससे भारत के, ये नौजवान भारत है, ये सारा काम पे लग जाए और सारा भारत आगे बढ़े। इस विकास की, इस तरक्की की, इस थीम की, इस सोच की फिल्में नहीं आती। भारत की तरक्की से किसी को मतलब ही नहीं है। कैसी तरक्की है, बस हमारा बॉक्स ऑफिस पे धंधा अच्छा हो जाए, चमक जाए, कुछ उस पे रंग बिरंगे पोस्टर लग जाए, कुछ आधे कपड़ों के, बिना कपड़ों के कुछ पोस्टर आ जाए, दो चार सीन आ जाए, एक आध गाना डंडे के आसपास कोई हीरोइन झूमता हुआ गा ले, एक आध गाना कुछ ऐसा तड़क भड़क का हो जिसमें छमिया छम्मू नाम का कुछ उसमें आ जाए, और कहानी कुछ भी हो, दो चार डायलॉग मार दिए, वो पब्लिक ताली बजाएगी और अच्छा उसका प्रमोशन करा दिया, बस पैसा हमारा वसूल हो गया, इतना सोच भर है। इसलिए मुझे किसी भी हालत में पैसा अपना खराब करना या जाया करना या पैसा खत्म करना या बर्बाद करना और सिनेमा हॉल में जाके दो ढाई घंटे बर्बाद करना, दो ढाई घंटे आने जाने के, चार पांच घंटे, मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। इसलिए मैं जाता नहीं सिनेमा को देखने के लिए। सिनेमा के अंदर कलाकार जितने भी हैं, कुछ कलाकारों को अगर छोड़ दें तो नेचुरल कलाकार नहीं है, आर्टिफिशियल कलाकार है। उनको देखिए, जब वो बोलते हैं, डायलॉग डिलीवरी करते हैं और जब वो बात करते हैं, चलते हैं, तो लगता है कि जैसे मशीन सी चल रही है, कहीं कोई नेचुरलिटी नहीं आती है। कुछ एक कलाकार हैं जिनकी सकल सूरत थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी है, मगर वो बहुत अच्छा डायलॉग डिलीवरी भी करते हैं, उनका नेचुरल आर्ट में आता है, पर उनके सिनेमा के दर्शक यहाँ होते नहीं, उनको लाया नहीं जाता, क्योंकि भारत कोई तरक्की की फिल्में शुरू से नहीं बन रही है। यहाँ चमत्कार की फिल्म खूब चलती है और साइंस की फिल्में जो हैं उनको नहीं बनाया जाता, क्योंकि उनको कोई प्रमोट भी नहीं करता। ये समस्या है, इसलिए इन समस्याओं को भारतीय सिनेमा लड़ने के लिए तैयार नहीं है। भारतीय सिनेमा किसी भी हालत में एक्सरसाइज करने को तैयार नहीं है, ना ही मेहनत करने को तैयार है। वो तो सिर्फ जो परंपरागत पैसे आता है बटोरता है, कुछ फैमिलियां वहां पे इकट्ठी हो गई हैं, जैसा घर उन्हीं के घराने हैं, उन्हीं के घर हैं,
वही फिल्में बनाते हैं, वही बेचते हैं, नए आदमी की एंट्री बड़ी मुश्किल है, हो जाए तो बेचारा हाथ जोड़ जोड़ के पड़ा रहेगा, नहीं तो अपना दाया बाया मायूस होकर कोई उल्टा सीधा काम कर लेता है। इसलिए मैंने ये सेंटेंस कहा था कि अगर मेरे पिताजी हीरो होते या मेरा डायरेक्टर या मेरा प्रोड्यूसर वहां होता तो मैं वहां स्टारों का भी स्टार यानी सुपर स्टारों का भी स्टार होता, क्योंकि टैलेंट की वहां आवश्यकता नहीं है, वहां तो सिर्फ मौके की आवश्यकता है। मौका अगर आपका है तो बाकी काम जो टेक्नीशियन हैं, जो एडिटर हैं, जो मेकअप मैन हैं, जो डायलॉग डिलीवरी हैं, जो साउंड की एडिटिंग करते हैं, बेशक आपकी आवाज कितनी खराब है आपको गाना भी गवा देंगे वो, बाकी सब तो करा ही देंगे, आप उसकी चिंता ना करें। तो उन्होंने जैसा डीओ के हमारे मित्र प्रोफेसर साहब हैं, जैसा मैंने कहा आपके सामने मैंने एक छोटी सी समीक्षा रखी है, कमेंट जरूर कीजिए अपने हिसाब से, क्योंकि पैसा आप भी देके आ रहे हैं नाचना देखने के लिए, नाचना जाते हैं, पूरी पूरी फैमिलियां नाच रही हैं, नाच नाच के खूब आपको दिखा रही हैं, सब काम कर रही हैं आपको हंसाने के लिए, आपकी जेब का पैसा निकालने के लिए। और ये बाजार है, यहां जब हम किसी का पिक्चर देखने जाते हैं तो जेब से पैसा निकाल के उसको देते हैं, उसका पूरा मजा लेते हैं, पैसा दिया है नाच देखा है हमारा संबंध खत्म हो गया, पैसा दिया नाच देगा उसके बाद हमारे लिए आपके दिल में कोई रेस्पेक्ट नहीं है। ये ठीक ऐसे है जैसे साबुन की टिक्की हम खरीदते हैं, पैसा दिया साबुन की टिक्की ली, रगड़ी पानी में धोई नाली में चली गई, बात खत्म। ऐसा ही पिक्चर में है, कलाकार कोई भी हो कैसा भी हो हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, कोई लगाव नहीं है, क्यों हम फ्री में उससे लगाव रखेंगे जब हमने उसको पैसा दिया है उसकी कला खरीदने का, उसकी कला को हमने देखने का पैसा दिया है, तो फिर लगाव की आवश्यकता पड़ती नहीं है, फिर मोह माया की जरूरत है नहीं। धन्यवाद। टीम 22 पर सभी वीडियो बुक कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने पोर्टल पर, अपने यूट्यूब पर, अपने फेसबुक पर या किसी भी जो भी ऐप है उस पर आप यहां से डाउनलोड कर टीम 22 से या फेसबुक से या मेरे पेज से कहीं से भी कोई भी वीडियो ले सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें अपने नाम का कुछ भी ऐड कर सकते हैं या अपनी कमेंट्री कर सकते हैं, उस वीडियो का कोई भी पार्ट आप ले सकते हैं, उसका प्रिंट मटेरियल भी बना सकते हैं, उसको किसी भी भाषा में आप बदल सकते हैं, उसका ऑडियो चेंज कर सकते हैं, उसका वीडियो ले सकते हैं, आप जैसे भी चाहें टीम 22 की किसी भी वीडियो का या सारी वीडियो का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमेशा कॉपीराइट फ्री थी और हमेशा कॉपीराइट फ्री रहेंगी। हमारा सिर्फ इतना काम होता है कि महापुरुषों की जो बातें हैं उन बातों को हम सरल भाषा में, आम भाषा में आप तक पहुंचा देते हैं। अब आगे आपका काम है कि आप अपनी भाषा में बदल के या ऐसा का ऐसा शेयर करके या इसको आगे भेजकर या इसका लिंक भेजकर या इसमें से कोई भाषा बदलकर या इसको प्रिंट कर या इसको लोड कर या डाउनलोड कर या इसको टीवी में बच्चों को दिखाकर या किसी को गिफ्ट कर जैसे भी चाहे वैसे इसको आगे पहुंचाएं। धम्म की सेवा सबसे बड़ी सेवा है, क्योंकि धम्म दान, धम्म को देना, सभी देने में यानी जितना भी हम किसी को देते हैं, दान देते हैं, उनमें सबसे बड़ा माना जाता है। अगर आपको लगता है किसी वीडियो में कोई परेशानी है तो आप हमें लिख के भेज दीजिए, हम दूसरा वीडियो बनाकर आपको भेज देंगे। आप धम्म की सेवा में सहायक बने, धम्म आपको खूब लाभ देगा, धम्म आपको लाभ देगा, आप धम्म को लाभ देंगे, ये दोनों इंटरचेंज है, यही धम्म की प्राकृतिक नियम है। धन्यवाद। Thank you.